बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम भाई बहनों, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जम स्टार्ट पाकिस्तान और लिफ्ट पाकिस्तान 2020 की सीरीज़ चल रही है। इसमें बेशुमार डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं, बड़े बड़े CEOs हैं कंपनीज़ के, और आप कह लीजिए कि टॉप ऑफ द लाइन जो लोग हैं वो डिफरेंट लाइव सेशंस करते हैं, और जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है, जो उनका स्किल सेट होता है, और जिस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान का इमेज अपलिफ्ट करने में और अपनी यूथ को जैसे कहते हैं गाइड करने में, मोटिवेट करने में, वो इन सेशंस के थ्रू करते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है आप सब लोगों का, जैसे कहते हैं प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एक लाइव सेशन है जी जम स्टार्ट पाकिस्तान के साथ। और मैं भी ये जो लिफ्ट पाकिस्तान 2020 की सीरीज़ में मैं भी कह लीजिए अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है कंट्रीब्यूट करने की ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ। 17th of October इस सैटरडे 4 से 5 मेरा एक लाइव सेशन है। जम स्टार्ट पाकिस्तान का जो ऑफिशियल पेज है, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल है, उनका फेसबुक प्रोफाइल है, वहाँ पे इनका लिंक आ जाएगा, मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। वहाँ पे लाइव सेशन होगा। टॉपिक जो मैंने डिसाइड किया है जी वो है जी हाउ टू बिकम सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा इन है। और अगर मैं बात करूँ लिफ्ट पाकिस्तान 2020 की, तो डिजिटल मार्केटिंग शायद एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जिसके थ्रू आप अपने पाकिस्तान को बहुत आसानी से लिफ्ट कर सकते हो। वो कैसे कि आप यूथ को अगर ये चीज़ सिखा देते हो कि हाउ टू यूटिलाइज डिजिटल मार्केटिंग इन अ प्रॉपर वे, तो फिर वो अच्छे तरीके से पैसे भी कमा सकते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगा, लेकिन जो मेरे साथ मेरी होस्ट हैं जिनका नाम है जी आयशा महमूद, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहूँगा। इनका इंट्रोडक्शन मैं इस तरह देना चाहूँगा जी कि सबसे पहले तो जी ये आपके सामने जी एक फ़ीमेल है, ठीक है? तो एक फ़ीमेल जो है वो मार्केटिंग की सर्विस देती हैं, फ्रीलांसिंग करती हैं, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हैं। ये ख़ुद एक जैसे कहते हैं एक मोटिवेशनल बात है, ठीक है? जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल फैक्टर मेरे लिए है, और चूँकि ये सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं इसमें अगर मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मेरे साथ जो मेरा होस्ट है वो ख़ुद भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो कैसे है कि इन्होंने जी MSc की हुई केमिस्ट्री के अंदर, MSc केमिस्ट्री करके ये फ्रीलांसिंग करती हैं, और ये MSc केमिस्ट्री से रिलेटेड सर्विसेज नहीं देती हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देती हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम इस सेशन में मैं आप लोगों को ये तो सारा कुछ बताऊंगा जी कि डिजिटल मार्केटर आप कैसे बनते हो, डिजिटल मार्केटर होता क्या है, डिजिटल मार्केटर बनने के लिए क्या करना चाहिए, ऑनलाइन अगर पैसे कमाने हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू वो कैसे कमाने चाहिए। क्योंकि मुझे याद है जी मैंने लास्ट टाइम जो मेरा सेशन हुआ था तलहा के साथ और सलमा के साथ और जैनब के साथ, तो उस टाइम पे मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता था। हाँ, मैं प्रोजेक्ट्स जो हैं जी वो मैं लिंक्डइन के थ्रू एक्वायर कर लेता था, वहाँ पे क्लाइंट डीलिंग करके अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाते थे। लेकिन उस सेशन के बाद मैंने कहा चलो यार मैं भी ट्राई करता हूँ फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है करके देखते हैं। और अल्लाह ताला के फजल करम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, उनके वसीले से, आप लोगों के प्यार और दुआओं से मुझे काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हुई। तो इस सेशन में मैं वही चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगा। मैंने भी प्रोफाइल बनाया, मैंने खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, फिर मैंने पेमेंट गेटवेज को भी देखा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी कटती है, कितने नहीं कटते, बैंक ट्रांसफ़र करना चाहिए, जायज़ कैश के थ्रू पैसे निकलवाने चाहिए, अर्निंग्स विड्रॉ कैसे करवानी चाहिए, ये सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया। और 2 से 3 माह के अंदर मैंने हर चीज़ को एक्सपीरियंस करके इसकी मैंने वीडियोज़ वगैरह भी बनाई है, मैं भी आपसे वो भी मैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अपलोड करूँगा कि फाइवर पे कितने पैसे कटते हैं, पैसे कैसे निकलवाने चाहिए, क्या जायज़ कैश के थ्रू निकलवाने चाहिए या हमें बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू निकलवाने चाहिए, पेनियर कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए, पेपॉल पाकिस्तान में है नहीं तो क्या करना चाहिए, कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव है, तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। लेकिन अभी इस सेशन में जो मेन मेरा मकसद क्या है जी कि मुझे आप लोगों को सिखाना ज़रूर है, लेकिन मैं चाहूँगा ये कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछें, मुझसे भी पूछिए, आयशा से भी पूछिए। देखिए आयशा डेफिनेटली मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ फ्रीलांसिंग के अंदर, ठीक है? क्योंकि मुझे भी स्टार्ट किया 2 से 3 माह हुए हैं, ठीक है? लेकिन आयशा जो है वो तकरीबन 1-1.5 साल से फ्रीलांसिंग कर रही हैं, और चूँकि इनका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। और चूँकि हमने इसको इंट्रैक्टिव बनाना है तो हम जिसे कहते हैं इंतज़ार करेंगे आपके क्वेश्चंस का, जिस किस्म के भी क्वेश्चन हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पूछिए, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड पूछिए। हाँ, आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो अगर आप जिसे कहते हैं जी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और स्मार्ट वेज को अडाप्ट करते हो तो, ठीक है? आप 20,000 से लेके 1,00,000 रुपये भी महाना घर में कमा सकते हो, लेकिन वो तरीका क्या है वही हमने आपसे डिस्कस करना है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा जी के जम स्टार्ट पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है जी लिफ्ट पाकिस्तान, और ये इनकी लिफ्ट पाकिस्तान 2020 की सीरीज़ जा रही है जी लाइव, तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह मैं अपना जो यूट्यूब चैनल है उसका भी लिंक यहाँ पे एम्बेड कर दूँ, ताकि वो ये लाइव सेशन जो है जम स्टार्ट के प्लेटफॉर्म पे भी जा रहा हो, और जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है उनको भी सेशन लाइव दिख रहा हो, ताकि
जो है मेरी यूट्यूब वाली फैमिली है वो भी इस चीज़ को देखें, वो जैसे कहते हैं मैं उन्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहूँगा, मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो भी ये सेशन देखें, और इन फॉर्म ऑफ कॉमेंट्स, इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं और आयशा मिल के उनको जितना भी पॉसिबल होगा उसे हम आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मकसद यही है जी, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर, कि आप डिजिटल मार्केटर कैसे बन सकते हो। हाँ, आज हर कोई अपने आप को डिजिटल मार्केटर कहता है, लेकिन उस कहलवाने से जिसे कहते हैं बेहतर ये है कि अगर कोई ना कोई बंदा कुछ अर्न कर भी रहा है तो मेरे लिए शायद वो एक कामयाब डिजिटल मार्केटर होगा। अगर खाली आपने जिसे कहते हैं जी अपने आप को कहलवाना है डिजिटल मार्केटिंग, अर्न कुछ नहीं करना, तो फिर मेरे नहीं ख्याल से कि आप एक जिसे कहते हैं ट्रू सेंस में डिजिटल मार्केटर हो। तो इस सेशन में यही डिस्कशन होगी कि बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से पाकिस्तानी को कैसे फ़ायदा होता है, यूथ इस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। मेरे पास ऐसी बेशुमार केस स्टडीज़ हैं, लाइव केस स्टडीज़ हैं, मैं अपने चैनल पे तो शेयर करता ही रहता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसे बेशुमार स्टूडेंट्स उनके सक्सेस केसेस हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो जी इंशाल्लाह इस सैटरडे को 4 बजे हम आप लोगों से मिलते हैं। मैं एक दिन पहले मैं आप लोगों से वो लिंक शेयर कर दूँगा, उस लिंक के थ्रू जाके जो है इजीली एक्सेस कर सकोगे, लाइव सेशन देख सकोगे, और जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे आप वो हमसे पूछ सकोगे। तो जी इंशाल्लाह मिलते हैं जी इस हफ्ते को, हम 4 बजे से 5 बजे का सेशन होगा, 1 घंटे में जो जो जिसे कहते हैं मेरे पास नॉलेज है, जो मेरा स्किल सेट है, मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफिकेशंस का पूछना है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन का पूछना है, डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसे बनाना है, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, जॉब सिलेक्शन कैसे करनी है, स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, वो मैं हर चीज़ आप लोगों को बताऊँगा जंप स्टार्ट के प्लेटफॉर्म से। तो आए जी मिलकर पाकिस्तान को लिफ्ट करते हैं, पाकिस्तान को उठाते हैं, पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की पोजीशनिंग बिल्ड करते हैं बाहर की दुनिया के अंदर, और जिसे कहते हैं जी इंटरनेशनल मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा जो एक इमेज कह लीजिए, पोजीशनिंग कह लीजिए, वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो यूथ है जी, हमारी माशाल्लाह यूथ जो है वो बहुत टैलेंटेड है। अगर हम लोग सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से दिमाग इस्तेमाल करें तो हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर, इसमें एंटायर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और ऑब्वियसली जी जितना पॉसिबल होगा हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन हम हमेशा, मैं यही कहता हूँ जी कि मैं चीज़ें वगैरह आप लोगों से मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू शेयर करता रहता हूँ, लेकिन मैं वेलकम इस चीज़ को करता हूँ कि अगर आप मुझे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हो, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं ना, अगर मैं उनको रिजॉल्व कर दूँ तो शायद ये एक घंटे का सेशन जो है ना काफ़ी इंटरेक्टिव हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ़ कि मैं अपना बताता रहूँ मैंने ये किया ये किया ये किया, वो सब कुछ आप जाके मेरे सोशल प्रोफाइल से, मेरे यूट्यूब चैनल से आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा मेरे बारे में, ठीक है, लाइव केस स्टडीज़ भी मिल जाएंगे। लेकिन अभी का सेशन क्या है, आप लोग क्वेश्चंस पूछिए, जो जो दिमाग में है वो पूछिए, हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। और जी सबसे बड़ी बात क्या जी कि आयशा जो है खुद एज अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हैं, ठीक है, मैं तो हूँ सो हूँ ना, लेकिन वो जो है एक यंग मोटिवेशनल स्पीकर कह लीजिए, एक यंग मोटिवेशन है हम सबके लिए, एमएससी केमिस्ट्री है, एक एमएससी केमिस्ट्री वाली लड़की डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देती है, ऑनलाइन अर्निंग करती है, तो ये खुद एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी इस हफ्ते को, और सेशन अच्छा बनाएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों का इंतज़ार रहेगा, क्वेश्चंस पूछिएगा, और इंशाल्लाह जितना हो सकता है हम पाकिस्तान को उठाएंगे। और जंप स्टार्ट पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, आयशा का बहुत शुक्रिया, सलमा का बहुत शुक्रिया, तलहा का बहुत शुक्रिया, जैनब का बहुत शुक्रिया, ये हमेशा मुझे मौका देते हैं कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से शेयर कर सकूं। और मेरी भी एक आदत है जी कि जब तक मैं उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस नहीं करता तब तक मैं किसी भी टॉपिक पर जैसे कहते हैं जी डिबेट या डिस्कशन नहीं करता। इस सेशन के बाद कुछ और सेशंस हैं जो सलमा के साथ प्लान किए हुए हैं, वो फाइवर से रिलेटेड आपके होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने फाइवर को खुद एक्सपीरियंस किया, ठीक है, और एज अ न्यूबी मैंने काफ़ी चीज़ें समझी और काफ़ी ज़्यादा ही कुछ डिटेल में समझी, तो वो सब एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। एक और सीरीज़ बनाएंगे सलमा के साथ मिलकर, सलमा नौरीन के साथ, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अभी इंशाल्लाह इस हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, और जो जो दिमाग में क्वेश्चन हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, जो जो चीज़ें आपके दिमाग में हैं ज़रूर पूछिए, मैं और आयशा जितने हद तक हो सकेगा आपको जिसे कहते हैं हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा।